आज जो सोच उस समय के बहुत ही जाने इसी विषय में मैं बताता चलूं ये बहुगा तारका वध और मारी सुबह तारका वध तक के विषय है जो आज हम आपके समक्ष बने जाते हैं आपके समक्ष जय श्री राम बोल सियावती श्री रामचंद्र भगवान की जरा जोर से बोलते बोल सियावती श्री रामचंद्र भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान की जय राणा सेवा कृतवा इस वीक कलाकारों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से मैं यहाँ पर उपस्थित सभी खाली वासियों का या उन सब लोगों का जो मीडिया जिसमें पहला विषय होगा जंगल की बेकरारी एवं रामधनु ईश्वर की कृपा है परंतु एक यही गम जो मेरे मन को खाए जा रहा है आयु का आखिरी भाग भी व्यतीत होता जा रहा है किंतु अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई यद्यपि एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता वाह क्या किसी ने सच कहा है चांद चढ़े सूरज बए दीपक जले हजार जिस घर में बालक नहीं वह घर छट अंधकार मंत्री जी जाइए अयोध्या के खजाने खोल दिए जाएं और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाए
मंत्री जी इसको उचित इनाम देके रुख्सत किया जाए। अपनी सीमा में आतंक मचा रहा है, परंतु हमारी सरकार भूमंडल के चारों ओर फैली है। हम जैसा कोई भी नहीं जो हमारी ताकत से लड़ता हो, ऐसा कोई तीर नहीं। अब इस रंगीन पानी का असर है, जिसने एक बार पी लिया फिर उसका सारी दुनिया को करा। अरे पिला लो, हमें भी पिला, जब सारी की सारी गुदी पी जाओगे। प्याले ही चढ़ाओगे जब कुछ इधर उधर की खबर भी लाओगे। देखो सामने की ओर से तुम्हारे मालूम होता है कोई मूर्ख तपस्वी जगह जा रहा है। आओ आओ उसकी ओर चक्कर लगाए और पापिनी को मूर्ख बनाए। अरे कोई इस कुत्ते को भी खिला दो, इसका भी चक्कर हो जाएगा। और इस कुत्ते को दोस्तों हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुमने हमारा बना बनाया जग उजाड़ा है। मां मदिरा डाल कर हमारा उपकार नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लगता है तुम जीने से बेजार हो चुके। सच है जब किसी चीज की मौत आती है तो उसके हर भी निकाल किसी व्यापारी के माथे लगे। यदि इतना ही बल है मालूमों में तो जो किसी राजा के माथे लगे। हम रिश्तेदारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो ईश्वर की आराधना करते हैं। चढ़ा चुप है बुड्ढे, क्या पक पक लगाई है, डराता मौत से मुझको कब से पेश खाई है। तू जिसका योग करता है वे मैं समझ बैठा हूं। बड़ा उस बुड्ढे दशरथ की या तक क्या सही है, विद्यार्थी नहीं हम पाठशालाओं के, यो तो चारी हिलाकर दे रहा दुहाई है। अभी चाहूं तो कर दूं टुकड़े एक से दो, मगर मैं सोचता हूं इसमें मेरी क्या बुराई है। खबर नहीं शायद तुझको क्या नाम है मेरा, मरीच कहते हैं जमाना दे दुहाई है। ठीक है मैं भी महाराज अग्रसेन के पास जाता हूं और तुम्हारी बुद्धि निकालने लगाता हूँ। अरे बंधू तू किसे पढ़ा रहा है, किसके रंग जमा रहा है, जहाँ जा जा पहले से ही रंगीले है न तेरी तरह हाथ पांव गीले है। मोटे का खरीदार है हर तरफ से अजीज और लाचार है, फिर भी देखो ये गुणों पे जवाब है।
अगर अभी हाथ हिला दू तो इसके दो बना दू। जा जा अपने हिमाती को बुला ला, मेरा नाम भी सुबाहू नहीं, अब इसका फूल तेरे सिर से ना निकाला। भटवर जी आइए विराजमान होइए। दुहाई है, दुहाई है महाराज, आपको ज्ञाति है या कुछ ज्ञाति है? गंगा पार राक्षसों ने क्या तबाही मचाई है? जो भी ईश्वर का नाम लेता है, क्या जो भी यज्ञ करता है, उनके सर दर से अलग कर दिए जाते हैं, मांस मदिरा डालकर यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिए जाते हैं। अंधे घोर देव राजन, आपके होते हुए आपकी प्रजा का ये हाल। मेरे राज्य में अंधेर चारी भन के सीने जारी, मैं अभी जगता हूँ और दुष्टों की मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। राजन आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल मेरे साथ राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए, वह पर्याप्त है। मुनिवर वह अभी बच्चे हैं और शस्त्र विद्या में कच्चे हैं, अभी तो उनके कोमल कोमल पांव महलों की मखमली सेजों से नीचे भी नहीं उतरे, और आप उन्हें झंझोर जंगलों में जहाँ के पत्थर कांटे और राक्षस हैं, वे वहां कैसे रह पाएंगे? काम बने जब आपका जो जल जलता जैसे इनको ले चलो, संभल कर कदम बढ़ाना, खबर नहीं शायद तुझको
जाने मुझे जमाना नामुमकिन है आज तेरा क्या से बच कर जाना। अरे मिलना जिससे मिलना और खा लो जो कुछ खाना। रघुकुल आन है मुझको धनुष और तीर की सोगल माँ को शल्या दी मुझे उस तीर की सोगल। लड़ूंगा विश्व शक्ति से न पत्नी से हटाऊंगा शल्या जब राज पिलाया तो बदन के दिखाऊंगा। मरीज मेरा नाम है मैं काल हूँ विकराल हूँ अन्यायों के वास्ते मैं महाकाल हूँ बोलचाल हूँ। राक्षसों को मारने की कसम है खाई राम ने जिंदा न मिल जाएगा आ गया जो सामने। कर चुके विध्वंस अब तक क्षत्रिय ऋषियों के बहुत विघन डाले धार्मिक कामों में हम मुनियों के बहुत अब सहाय हो गया तुम्हारा हमारा भार है वास्तव में ये तुम्हारी मौत का सवाल है। होश कर और देख क्या है बाल तेरे सामने मरी बनकर आ गया बाल तेरे सामने। किसका महादेव तू भी वहीं पर जाएगा देख लेना थोड़ी देर में जिंदा नहीं रहना पाएगा। अरे ओ नीच बालक मेरी माता के घातक सावधान हो जा और अपनी ठिठाई का दंड भोगने के लिए तैयार हो जा। क्यों बातें ही बनाओगे क्या मैं धर्म में ले आओगे। Yeah.